वेलकम बैक मकतुमी के साथ। आप कैसे हो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और हमने लगभग 40,000 के ऊपर के फोन भी एक्सपीरियंस किए हैं, उसके साथ 30,000 के साथ साथ हमने 20,000 से लेके 25,000 के बीच में तो बहुत सारे फोनों का रिव्यू भी किया है। बट जब बात आती है ना अंडर 15,000 तब यार यहाँ पे ना फोनों का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब होता है और बहुत सारे फोन UI में स्टटर लैग भी करते हैं और उसके साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं होती। बट आज के टाइम पे मैं एक ऐसा फोन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि लिटरली मैं भी शॉक था, क्योंकि इतने कम प्राइस में लगभग 12,000 के अराउंड तक मिलता है। UI भी फास्ट फील होता है, एनिमेशन भी स्मूथ है और उतना ही नहीं UI के अंदर कोई एड भी नहीं आती, ना कोई ब्लोटवेयर्स भी देखने मिलते हैं। और जो 5G कनेक्टिविटी है ना लगभग फ्लैगशिप लेवल का स्पीड इसके साथ मुझे देखने मिला। उतना ही नहीं मैंने परफॉर्मेंस के लिए मतलब BGMI भी टेस्ट किया तो BGMI के अंदर भी इस प्राइस रेंज में जो जायरो होता है ना बहुत स्लो होता है, बट इस फोन के अंदर जायरो भी फास्ट है और 40fps की गेमिंग भी आप मस्त कर सकते हो। हाँ फोन कौन सा है बताऊंगा, बट यहाँ पे अनबॉक्सिंग की बात करें तो मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, फिर भी बॉक्स के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसपेरेंट केस देखने मिलता है और 33 वाट का हमें चार्जर भी देखने मिलता है, जो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि बहुत सारे ब्रांड यहाँ पे चार्जर हटा रहे हैं। ये फोन है लावा ब्लेड्स प्रो 5G, यहाँ पे देख सकते हो। और मेरे पास जो कलर है वो स्टेरी नाइट है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक है, बट यहाँ पे ना लाइट इसके ऊपर आती है तो हाँ यार अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है जो बहुत ही मस्त दिखता है। और जो फोन आता है ना ये बॉक्सी डिजाइन के साथ हमें देखने मिलता है। और हाँ जो बैक पैनल है ये हमें ना मैट फिनिश टाइप यहाँ पे देखने मिलता है, हालांकि फ्रेम प्लास्टिक का ही है, बट हाँ इसके ऊपर बिल्कुल उंगलियों के वगैरह निशान नहीं आते, ना ये फोन गंदा होता है। बट हाँ 203 ग्राम के आसपास इसका वेट देखने मिलता है। अब यार मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं तो मुझे वन हैंड से भी यूज करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। और उसके साथ नीचे के साइड में हमें 3.5mm का हेडफोन जैक का भी गड्ढा देखने मिलता है, जो बहुत सही चीज है। उसके साथ 2 माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे ओवरऑल डिजाइन तो 12,000 के हिसाब से आप देखते हो ना तो सही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद मुझे सबसे बड़ा शॉक लगा जब मैं इस फोन को बूट करके ना मतलब लगभग 6 से 7 दिन हुए मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जैसे मैं इसके ऐप ड्रॉअर में गया तो यार कोई फालतू का प्री इंस्टॉल एप्स मुझे देखने को नहीं मिला, ना इसके अंदर कोई एड आती है। तो UI भी यार मतलब इतना क्लीन रखा है ना 12,000 के हिसाब से अभी आप देखते हो ना। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे फोन जैसे कि 30,000-20,000 के अंदर भी उनके अंदर बहुत सारे ब्लोटवेयर्स देखने मिलते हैं, बहुत सारी एड्स भी आती है, बट वैसा कोई झमेला इस फोन के साथ हमें देखने को नहीं मिलता। उसके बाद मैंने मतलब सॉफ्टवेयर भी चेक किया तो हाँ छोटे मोटे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने मिलते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर के लिए मैं यही बोल सकता हूँ कि आपको मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई 12-13 हज़ार का फोन यूज कर रहे हो, क्योंकि एनिमेशन भी स्मूथ देखने मिलते हैं और जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का स्पीड है ना वो भी यार हमें फास्ट यहाँ पे देखने मिलता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सही है। उसके साथ इस प्राइस रेंज में मार्केट के अंदर मैंने ये भी चीजें देखी है कि जैसे कि कुछ फोनों के अंदर हमें यू शेप नॉच देखने मिलता है या यू शेप नॉच देखने मिलता है, बट इस फोन के अंदर हमें इस प्राइस रेंज में पंच होल देखने मिलता है, जो सही चीज है। हाँ बेजल्स नीचे के थोड़े बड़े हैं बट चल जाएगा। बट इसके अंदर हमें 6.78 इंच का फुल HD यहाँ पे IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और जितना मैंने यहाँ पे इंडोर में भी देखा आउटडोर में भी देखा, मीडियम लाइट कंडीशन हो तो हाँ टकाटक डिस्प्ले विजिबल होता है, बट ज्यादा ही हर्ष लाइट कंडीशन होती है तो थोड़ा सा आपको ऐसा हाथ रखना पड़ेगा। और जितना मैंने वीडियो एक्सपीरियंस भी लिया तो वाइड 1:11 का भी सपोर्ट देखने मिलता है, और यूट्यूब के अंदर आप 144:60fps के अंदर भी वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं और वीडियो क्वालिटी हमें ठीक ठाक से यहाँ पे देखने मिलती है। और जो व्यूइंग एंगल वगैरह है ना ये भी सही है, आप इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखते हो ना तो यहाँ पे वीडियो एक्सपीरियंस भी आपका सही होगा। तो यही मैं बोल सकता हूँ कि आप मतलब कंटेंट वॉचिंग के लिए भी इस फोन को देखते हो ना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ यहाँ पे मैंने देखा कि फिजिकल फिंगरप्रिंट देखने मिलता है और इसका भी जो स्पीड है ना ये हमें मीडियम सा देखने मिलता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वाइब्रेशन मोटर है ये घुरघुर वाली देखने मिलती है, स्प्रिंग इफेक्ट वाली होती तो मजा आता, और यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर होता तो भी मजा आता, बट यहाँ पे सिंगल स्पीकर देखने मिलता है बट यहाँ पे लाउड है। Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more. उसके बाद मैंने नेटवर्क देखा तो हाँ यहाँ पे 5G यहाँ पे देख सकते हो, और 5G के हमें 8 बैंड्स देखने मिलते हैं। और मैंने सैमसंग S23 अल्ट्रा के साथ भी 5G का स्पीड का कंपैरिजन किया था तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मुझे स्पीड यहाँ पे देखने मिला। 5G स्पीड के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है, बट सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ मैं इसके परफॉर्मेंस से, क्योंकि हमें इसके अंदर Dimensity 6020 देखने मिलता है और 8GB की रैम है, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिलता है। और जितना मैंने इस प्रोसेसर को टेस्ट किया इस फोन के अंदर Antutu वर्जन 10 में लगभग यहाँ पे देख सकते हो लगभग 4 लाख के अराउंड स्कोर आते हैं, तो सही है यार इतने कम प्राइस में भी 4 लाख के अराउंड Antutu मिलना। और उसके बाद मैंने CPU थ्रॉटलिंग भी यहाँ पे ट्राई किया तो ग्राफ में ग्रीन सा ही देखने मिलता है, और लगभग 88% की परफॉर्मेंस मिल रही थी और 1,43,000 के अराउंड हमें और GIPS स्कोर देखने मिल रहे थे। और UPS स्टोरेज की बात करें तो इस प्राइस रेंज में हमें
HDMI स्टोरेज देखने मिलता है बहुत सारे फोन के अंदर, बट इस फोन के अंदर हमें AP स्टोरेज 2.2 देखने मिलता है और रीड राइट स्पीड भी यहाँ पे हमें सही देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इस प्रोसेसर के साथ परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉर्मल टास्क में वगैरह कोई दिक्कत नहीं देगा। इवन आप मॉडरेट गेमर भी हो, मतलब 40 FPS वगैरह गेम खेलते हो VGMI के अंदर या नॉर्मल गेम्स खेलते हो, तभी भी दिक्कत नहीं देगा। तो चलो गेमिंग की बात कर रहे थे तो गेमिंग के बारे में मैं शेयर कर देता हूँ। तो हाँ, मैं VGMI ही ट्राई कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे VGMI के अंदर हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा देखने मिल जाता है, तो मतलब स्मूथ में 40 FPS का सपोर्ट। और जितना मैंने VGMI ट्राई किया, मैं 4 फिंगर प्लेयर हूँ विद फुल जायरो। इस प्राइस रेंज में जो जायरो होता है ना बहुत स्लो होता है, बट इस फोन के अंदर जायरो भी फास्ट है और 40 FPS की गेमिंग भी आप मस्त कर सकते हो। बट हाँ, 60 FPS की गेमिंग अलग ही लेवल की होती है, बट इस फोन के साथ आप 40 FPS की गेमिंग भी खेलते हो तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आप टाइम पास के लिए गेमिंग खेलते हो तो सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, 40 FPS की गेमिंग आपकी ठीक ठाक ये करवा देगा। बट 60 FPS का एक्सपीरियंस अलग ही नेक्स्ट लेवल का होता है, वो नहीं मिलेगा इसके साथ। तो उसके साथ मैंने देखा कि 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है इसके साथ और 33 W का चार्जर। तो जितना मैंने बैटरी को एक्सपीरियंस किया तो नॉर्मल यूजेस में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक दिन निकाल देगा। तो यहाँ पे जितने भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं बैटरी के, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। और YouTube को मैंने लगभग 1.5 घंटे के आसपास देखा था, Instagram 20 मिनट्स तक मैंने चलाया था और Amazon Prime पे लगभग मैंने 2 घंटे तक वीडियो देखी थी। उसके बाद मुझे ऑन स्क्रीन 5 hour 51 minutes के आसपास मिला था, मतलब पकड़ के चलो कि एक दिन तो आपका आराम से निकल ही जाएगा। और 33 W चार्जिंग की स्पीड की बात करें, 80 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज होने में टाइम लग सकता है। तो हाँ, चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी आपको एवरेज से ही देखने को मिल जाती है। उसके बाद बात आती है कैमरे की, तो कैमरा परफॉर्मेंस कैसा है। देखो, मेन कैमरा हमें 50 MP का देखने मिलता है और उसके साथ सेल्फी हमें 8 MP की देखने को मिल जाती है। और जितना मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया, नॉर्मल शॉट में वगैरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, लाइट कंट्रोल के ऊपर काम किया जा सकता है। जैसे कि हम पोर्ट्रेट मोड में शॉट लेते हो तो लाइट थोड़ी सी ज्यादा कैप्चर करता है, डिटेक्शन वगैरह सही रहता है। बाकी मैंने सेल्फी भी देखी तो 8 MP के हिसाब से सही आउटपुट दे रही है और यहाँ पे एज डिटेक्शन वगैरह सही देखने को मिल रहा है। बाकी आप इससे 2K तक वीडियो शूट कर सकते हो, बाकी वीडियो सैंपल भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 2K का सैंपल है, ऐसी कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है, स्टेबलाइजेशन वगैरह यहाँ पे देख लेना। बाकी यहाँ पे डिटेल्स की बात करें, हाँ यार, जूम होता है, आप जूम कर सकते हो इजीली। बाकी ये 1080p का सैंपल है, यहाँ पे भी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, ऐसी कुछ क्वालिटी देखने को मिलती है। ओहो, सो फाइनली इस फोन को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, मैं अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ, फुल फ्लेज फाइनल रिव्यू कोशिश करूंगा कि 20 डेज के बाद या 1 महीना यूज करने के बाद मैं डालूं। बट इनिशियली जितना मैंने फोन को एक्सपीरियंस किया तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि कम प्राइस में पूरा क्लीन एक्सपीरियंस मिलना बहुत सही चीज है, क्योंकि कोई एड नहीं आती, कोई ब्लोटवेयर इसके साथ देखने को नहीं मिलते और UI स्मूथ फील होता है, बिल्कुल स्टटर लैग वगैरह ऐसा UI के अंदर मुझे ज्यादा नोटिस नहीं हुआ। इवन यहाँ पे आप गेमिंग भी देखते हो तो जायरो हाँ स्मूथ है यार, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जायरो बहुत ही बेकार मिलता है, बट यहाँ पे स्मूथ फील होता है और एक दिन की तो बैटरी लाइफ आराम से निकल जाती है और बड़ा डिस्प्ले देखने मिलता है। हालांकि LCD है बट बड़ा डिस्प्ले यहाँ पे देख सकते हो, तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे 8 5G के बैंड्स भी देखने मिलते हैं, तो इंटरनेट का स्पीड भी बहुत सही आता है। तो 12000 के हिसाब से आप देखते हो तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें देखने को मिल जाती है, तो आप सोच सकते हो इसको लेने के लिए। बाकी आपके सर्विस सेंटर के रिगार्डिंग इश्यूज है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर तक इनकी फ्री सर्विस है, चीज मुझे सही लगी। तो बाकी ऐसा कुछ ओवरऑल ये वीडियो था, आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कर सकते हो। और हाँ, आपको इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लैंग्वेज में कौन से फोन का वीडियो चाहिए वो भी जरूर कमेंट कर लेना, कोई सजेशन फीडबैक नीचे कमेंट कर सकते हो। और क्या इस फोन को आपने बाय किया है, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस भी क्या है वो भी जरूर नीचे कमेंट कर लेना। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।